नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम उन पौधों के बारे में बातें करेंगे जो गर्मियों में फ्लावर देते हैं और वो हमारे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो उनमें से हमारा पहला प्लांट है गार्डेनिया का प्लांट, यानी कि गंधराज का प्लांट। तो गंधराज में वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें सिंगल पेटल आता है, एक डबल पेटल आता है। तो आप देख सकते हैं हमारे गंधराज के प्लांट में कितनी सारी कलियां आई हुई हैं और ये हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला है हमारा चांदनी का प्लांट। तो चांदनी के प्लांट में भी ढेरों फूल आए हुए हैं और ये प्लांट विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है तो इसमें नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और नई नई इसमें फिर फ्लावरिंग बंच भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसमें गुच्छे आए हुए हैं और कुछ ही दिनों के बाद ये भी खिल जाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों, ये प्लांट भी हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला है हमारा हेमेलिया का प्लांट। तो हेमेलिया में आप देख सकते हैं गुच्छों में ही इसमें फ्लावर आते हैं और इसमें समर सीजन में फ्लावर आते हैं, विंटर सीजन में ये प्लांट भी डोरमेंसी में चला जाता है। और अगला प्लांट है हमारा सनफ्लावर का प्लांट। तो सनफ्लावर में येलो कलर के फूल आते हैं और इसमें भी एक डॉफ वैरायटी आती है और एक बड़ी वाली वाइल्ड वैरायटी आती है। तो ये हमारा डॉफ वैरायटी का सनफ्लावर का प्लांट है। इसमें छोटे साइज़ के फ्लावर आते हैं लेकिन ढेरों फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे मतलब कलियां आई हुई हैं हमारे प्लांट में, सनफ्लावर के में, और ये भी गर्मियों में फ्लावर देता है। और एक बार इस प्लांट को लगा लेते हैं तो फिर दोबारा इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये खुद पे खुद सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हो जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने इसका एक प्लांट लगाया था और उसके बाद ये इस साल अपने आप ही मतलब ढेरों प्लांट हमारे गार्डन में उग आए हैं। तो इन्हें भी हम एक बार लगा लें और बाकी ये फिर अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। तो इसमें भी समर में ही इसमें फ्लावर आते हैं और बहुत ही सुंदर येलो कलर के फ्लावर आते हैं। और अगला है सदाबहार का प्लांट। तो जैसे कि इसका नाम है सदाबहार, तो सदाबहार में इसमें गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग आती है। वैसे तो इसमें विंटर सीजन में भी फूल आते हैं लेकिन समर सीजन में इसमें बड़े साइज के आते हैं और विंटर में सीजन में इसमें थोड़े छोटे साइज के फ्लावर आते हैं, लेकिन इसमें ना समर वो उसमें विंटर सीजन में भी फ्लावर आते हैं। और अगला है हमारा जटरोफा का प्लांट। तो जटरोफा में रेड कलर के फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से बंच में। तो ये प्लांट भी विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है मतलब मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है तो उसके बाद इसमें भी नया फुटाव शुरू हो जाता है और नई नई कलियां बननी शुरू हो जाती है। तो इस वाले प्लांट में भी समर सीजन में बहुत ही बढ़िया फ्लावर आते हैं। और अगला है गुड़हल का प्लांट। तो गुड़हल में भी दो वैरायटी आती है, एक आती है हाइब्रिड वैरायटी और एक आती है देसी वैरायटी। तो दोनों ही वैरायटी में समर सीजन में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है और इसमें कितनी ये कलियां बनी हुई हैं और ये प्लांट बहुत ही बढ़िया चल रहा है और छोटा सा ही है ये प्लांट। और जो देसी वैरायटी का है उसमें हमारे दो तरह के फ्लावर आते हैं, मतलब दो कलर के, एक रेड और एक वाइट। तो इसमें भी पूरे समर पर फ्लावरिंग होती रहती है। और अगला है देसी गुलाब। तो गर्मियों में देसी गुलाब में भी और इंग्लिश गुलाब में भी फ्लावर आते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश गुलाब में थोड़े कम आते हैं और देसी गुलाब में तो पूरी गर्मियाँ फ्लावर आते ही रहते हैं। और ये हमारा बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें पूरी गर्मियाँ भर फ्लावरिंग होती रहती है। और अगला प्लांट है लंटाना का प्लांट और इसको राइमुनिया भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना सुंदर ये एक बंच आया हुआ है। तो ये छोटा सा ही प्लांट है, ये विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और जैसे ही मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आती है तो फिर इसमें नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है।
और इसमें बहुत ही सुंदर ये फ्लावर का एक बन जाता है। और एक बार आने के बाद ये कई दिनों तक प्लांट के ऊपर लगा रहता है और ये प्लांट पूरी गर्मियों भर फ्लावर करता रहता है। तो ये प्लांट भी गर्मियों का बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है एग्जोरा का प्लांट। तो एग्जोरा में बंच में फ्लावर आते हैं, आप देख सकते हैं इसमें ये फ्लावर का बंच आया हुआ है, ये कली आई हुई है और ये इसमें फ्लावर का बंच आया हुआ है। तो ये प्लांट भी विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, फरवरी का महीना आता है, तो इसमें भी नई ग्रोथ आ जाती है और फिर इसमें साथ ही साथ फ्लावरिंग बंच भी आ जाते हैं। तो मतलब ये प्लांट भी पूरी गर्मियाँ फ्लावर देता रहता है और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला है हमारा कनेर का प्लांट। तो कनेर में दो वैरायटी आती है, एक आती है देसी वैरायटी और एक आती है हाइब्रिड वैरायटी। तो ये हमारा हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट है और इसमें पिंक कलर के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं बंच में। तो ये भी प्लांट हमारा पूरी गर्मियों भर फ्लावर देता रहता है और परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। इस प्लांट को अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लेते हो तो फिर ये कई सालों तक हमारे गार्डन में फ्लावर करता रहता है। और अगला प्लांट है टिकोमा का प्लांट। तो टिकोमा का प्लांट भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और हमारे पास दो तीन प्लांट है टिकोमा के और सभी में अलग अलग कलर आते हैं और फ्लावर का साइज़ भी छोटा बड़ा आता है। मतलब किसी में बड़े साइज़ के फूल आते हैं और किसी में छोटे साइज़ के फूल आते हैं। तो ये प्लांट है ना विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है और पूरे समर भर इसमें फ्लावर खिलते ही रहते हैं और कितनी भी गर्मी क्यों ना हो इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं रुक रुक कर और पूरे समर भर ये फ्लावरिंग करता रहता है। और अगला है हमारा अलमांडा का प्लांट या वाइन। तो ये प्लांट भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें भी कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये हमारी वाइन है, इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें बंच में फ्लावरिंग होती है। आप देख सकते हैं कितनी कलियां आई हुई हैं अलमांडा की वाइन में। तो इसको भी अगर आप एक बार लगा लेते हो तो कई सालों तक ये हमारे गार्डन में बनी रहती है और पूरे समर भर ये फ्लावरिंग करती रहती है। तो अगला प्लांट है मोगरा का प्लांट। तो मोगरा में दो वैरायटी आती हैं, एक में छोटे साइज़ का फ्लावर आता है और एक में आता है बड़े साइज़ का फ्लावर। तो इसमें ये छोटे साइज़ का फ्लावर आया हुआ है और ये आए हुए हैं बड़े साइज़ के फ्लावर। तो इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है। वैसे तो ये हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है लेकिन इसमें गर्मियों में ही फ्लावर आते हैं और एक बार आने के बाद में ये लगातार आते ही रहते हैं। और जब फ्लावर आके कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब जैसे फ्लावर का बंच आके ख़त्म हो जाता है, तो हमें ऊपर से हल्की सी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। अगर हम हल्के से थोड़ी सी प्रूनिंग कर देंगे फिर नीचे से दो तीन ब्रांच आती हैं और फिर उनमें से और भी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है क्योंकि इसके फ्लावर टिप के ऊपर आते हैं और नई ब्रांच के ऊपर आते हैं। जिस तरह की हमने यहाँ ये आप देख सकते हैं हल्के से थोड़ी सी प्रूनिंग कर दी थी तो नीचे से ये चार ब्रांच आई हैं और अब इनमें चार गुना ज़्यादा फ्लावर आएंगे और ये लगे हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और इनकी खुशबू बहुत बढ़िया होती है और शाम के टाइम तो इनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी आती है और जिस तरफ की हवा चलती है तो उसी तरफ इनकी खुशबू जाती है। और अगला प्लांट है पोर्टुलाका का। आप देख सकते हैं ये हमारे पास चार पांच कलर हैं पोर्टुलाका के। तो ये भी है ना पूरी गर्मियाँ फ्लावर देते रहते हैं और इन्हें ना उसमें मॉनसून के सीज़न में बचाना पड़ता है। अगर हमारे ये प्लांट मॉनसून में बच जाते हैं तो फिर ये साल भर हमारे गार्डन में, मतलब कई साल तक हमारे गार्डन में बने रहते हैं और ये परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और इनमें कई कलर के फ्लावर आते हैं और पूरी गर्मियां भर, मतलब ये फरवरी से लेके और नवंबर तक ये फ्लावर करते ही रहते हैं और गर्मियों के बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं।
और अगला प्लांट है जीनिया का प्लांट। तो जीनिया में कई कलर आते हैं और ये गर्मियों के बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और ये हमारे गार्डन में पूरी गर्मियां फ्लावर करते रहते हैं और इसमें कई कलर आते हैं। हमारे पास 3-4 कलर है और इन प्लांट को सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है यूफोर्बिया मिली का। तो यूफोर्बिया मिली में भी बहुत ही सुंदर फ्लावर आते हैं और कई कलर के इसमें फ्लावर आते हैं और इसमें भी दो वैरायटी आती है, डॉफ वैरायटी और वाइल्ड वैरायटी। तो ये प्लांट भी पूरी गर्मियों भर फ्लावर करता रहता है और ये हमारा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, इस प्लांट को भी हमें गर्मी के मौसम में ज़रूर लगाना चाहिए। और अगला प्लांट है एमराइस लीली का। तो इसमें भी कई कलर के फ्लावर आते हैं और इनमें इनका साइज बहुत ही बड़ा होता है और इनमें नीचे से ना एक स्टॉक निकलती है और उसमें एक बड़ी सी कली निकलती है और उस कली के अंदर ये और भी फिर 3 या 4 कली निकलती हैं, फिर उनमें से ये फ्लावर खिलते हैं और ये खिले हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। और एक बार खिलने के बाद ये प्लांट के ऊपर 4 से 5 दिनों तक लगे रहते हैं और ये प्लांट बल्ब से लगाए जाते हैं और आप चाहते तो इनके बल्ब को निकाल के सेव करके रख सकते हैं या फिर ऐसे ही गमले में लगा रहने दें और जब इनका मौसम आता है तो फिर ये ग्रो हो जाते हैं और फिर इसमें फ्लावर आते हैं। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर हमारे ये एमराइस लीली के फ्लावर आए हुए हैं और बहुत ही बड़े साइज के होते हैं इसके फ्लावर। और ये प्लांट गर्मियों का बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला है मैरीगोल्ड या फिर गेंदा। तो ये भी हमारा गर्मियों का बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें आप देख सकते हैं कितने बढ़िया फ्लावर आए हुए हैं और गेंदे को सीड से आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये फिर एक बार लगा लेते हैं तो फिर ये अपने आप ही सीड से निकल जाता है मतलब, और हमारे गार्डन में पूरी गर्मियाँ फ्लावर करता ही रहता है। तो इस प्लांट को भी हमें गर्मियों के सीजन में अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। और अगला है बेबी सन रोज। तो दोस्तों, इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें पिंक भी आते हैं और येलो भी आते हैं और ये एक सकुलेंट वाइन होती है। तो आप देख सकते हैं हमारे बेबी सन रोज में कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं और ये पूरी गर्मियों भर फ्लावर करती रहती है बेबी सन रोज की वाइन। तो इस वाइन को भी आपको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए और ये परमानेंट वाइन होती है और समर सीजन में इसमें फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।